हेलो बच्चों, आज आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत। आज हम आपको 11th के जीव विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे और जीव विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई, उसकी डिफिनेशन कैसी है, उसकी खोज किसने किया, ये सारी चीजें आपको आज हम बताएंगे। शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है, और यह बायोलॉजी क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, आज हम आपको बताएंगे। जीव विज्ञान जो है, इसकी डिफिनेशन होती है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम जीव विज्ञान कहते हैं। यह डिफिनेशन आपको इस ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ मिलेगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ये तो जीव विज्ञान की डिफिनेशन हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान में समस्त जीव जंतु, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, सबका अध्ययन होता है, और पेड़ पौधे, जीव जंतु और पेड़ पौधे जिसके अंतर्गत उसका हम अध्ययन करेंगे, वही जीव विज्ञान कहलाएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि जीव विज्ञान की खोज किसने किया। जीव विज्ञान की जो खोज है, अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने किया। अगर आपसे कोई पूछे कि जीव विज्ञान खोज किसने किया, तो आप क्या बताएंगे? अरस्तु। और जीव विज्ञान को जीव विज्ञान नाम देने वाले वैज्ञानिक लैमार्क थे। कौन थे? लैमार्क। जीव विज्ञान को जीव विज्ञान नाम देने वाले वैज्ञानिक लैमार्क थे। लैमार्क का पूरा नाम होता है, जैसे कल के पूछ देता है कि लैमार्क का पूरा नाम बताइए, लैमार्क का पूरा, इनका पूरा नाम होता है जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, ये लैमार्क का पूरा नाम है, और इन्होंने ही जीव विज्ञान को जीव विज्ञान नाम दिया। अब रही बात जीव विज्ञान की शाखाएं, कि जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की शाखा, यानी जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। कोई पूछे जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, या जीव विज्ञान कितने भागों में बांटा गया है, तो जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, यानी उसकी दो शाखाएं होती हैं। नंबर एक जंतु विज्ञान, और नंबर दो वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, पहला जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहा जाता है। अब आइए आपको हम बताते हैं जंतु विज्ञान क्या होता है।
जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी। जंतु विज्ञान की खोज अरस्तु ने की। कोई पूछेगा जंतु विज्ञान की खोज किसने किया? अरस्तु ने। यहां लिख दें जंतु विज्ञान की खोज। कोई भी आपसे पूछे कि जंतु विज्ञान की खोज किसने किया तो आप क्या बताएंगे? अरस्तु ने। जंतु विज्ञान की डिफिनेशन होती है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं और इसकी खोज अरस्तु ने की। जंतु विज्ञान की खोज किसने किया? अरस्तु ने किया। उसके बाद दूसरी शाखा आती है वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। वनस्पति विज्ञान की डिफिनेशन होती है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाएगा? वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। वनस्पति विज्ञान की खोज वनस्पति विज्ञान की खोज थियोफ्रेस्टस ने किया। अर्थात आप कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। कभी पूछ लेता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है तो आप याद कर लीजिए कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। तो आपको आज हम जीव विज्ञान की डिफिनेशन बताया, उसकी खोज किसने किया वो बताया गया, जीव विज्ञान को नाम किसने दिया लैमार्क का पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, इसे याद कर लीजिएगा। और जीव विज्ञान की शाखाएं बताई गई, तो जीव विज्ञान की कोई पूछेगा कितनी शाखाएं होती हैं तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है, नंबर एक जंतु विज्ञान और नंबर दो वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को जूलॉजी कहा जाता है इंग्लिश में। और इसकी डिफिनेशन आपको बताई गई कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान की खोज अरस्तु, इसे याद कर लीजिएगा, जंतु विज्ञान की खोज किसने किया? अरस्तु ने। दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं और इसकी खोज थियोफ्रेस्टस ने किया। तो आज के लिए जीव विज्ञान के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाला है।